हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 का आखिरी पार्ट। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1.1 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के लिए मैंने ये दो क्वेश्चन ही खास करके बचा कर रखे हुए थे, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और थोड़े से ट्रिकी भी। इन दो क्वेश्चन को आज हम करेंगे और इस पार्ट में ये 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक बार क्वेश्चन देखिए, इट इज़ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट इज़ 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नज़र आए जिसमें x का ये वाला वैल्यू यहाँ पर y के पास हो और y का यहाँ का वैल्यू यहाँ पर x के पास हो, तो ऐसी दो इक्वेशन को एक बार ऐड किया जाएगा, फिर एक इक्वेशन बनेगी, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, फिर एक इक्वेशन बनेगी, और उन दोनों इक्वेशंस को लेकर जो आंसर आएगा वो x और y की वैल्यू होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एज़ यूजुअल नेमिंग होगी। दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि मैंने कहा, हम एक बार ऐड करेंगे, तो पहले हम ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? इट इज 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड इक्वेशन 2 इज 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो वी आर गोइंग टू ऐड दिस, इसे ऐड करेंगे हम, तो इट विल बिकम 99 प्लस 101 विल बी 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। इस तरह से एक नया इक्वेशन बना है, लेकिन अब तक ये कंप्लीट नहीं है, ट्रिम नहीं है। इसे ट्रिम करेंगे बाय डिवाइडिंग 200। अगर मैं इसे 200 से डिवाइड करूं, क्योंकि हर एक का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 200, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? डिवाइडिंग बाय 200। जब मैं 200 से डिवाइड करूँगा, इट विल बिकम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 5s are 10, राइट? तो इट विल बी 5। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, जिसे मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने एक बार ऐड किया था, अब करूँगा सब्ट्रैक्ट। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक करेंगे, व्हाट विल गेट? 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और यहाँ पर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। व्हाट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन वी आर गोइंग टू डू सब्ट्रैक्शन, तो इस सब्ट्रैक्शन का, इस माइनस का इफेक्ट हर एक साइन पर होता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो माइनस एंड प्लस विल बी माइनस, माइनस एंड प्लस अगेन माइनस, माइनस एंड प्लस अगेन माइनस। इस तरह से हर एक पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर माइनस 101 और प्लस 99 है, तो 101 में से 99 जाएगा और 2 बचेगा, लेकिन माइनस 101 बड़ा है, तो माइनस की साइन माइनस 2x। यहाँ पर देखिए 101 बड़ा है और उसके पास प्लस का साइन है, तो प्लस 2y और यहाँ पर अगेन माइनस 2। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन मिला है, लेकिन इसे हम फर्दर ट्रिम कर सकते हैं, तो हम इसे ट्रिम करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 2। तो यहां पर क्या करूंगा? डिवाइडिंग बाय 2। तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, तो इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इससे पहले भी मैंने एक अंडरलाइन करवाया था इक्वेशन 3 को। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में सिर्फ एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। यहाँ पर x माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। अगर मैं इन्हें सिंपली ऐड भी कर दूँ, तो ये x x कट जाएगा
और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4, नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन 3 क्या है दोस्तों, इट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 4 क्या है, इट इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। हम यहाँ सिंपली एडिशन करने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट किसी भी साइन पर नहीं पड़ता, जो माइनस है वो माइनस ही होता है, जो प्लस है वो प्लस ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये x प्लस में है और माइनस में है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये y प्लस वाई विल बिकम 2y, और यहाँ पर 5 - 1 विल बी 4। तो यहाँ पर y इस तरह से ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y हमें कितना मिला, 2 मिला। इससे मैं कहूँगा y इज़ my 2। अब इसको मैं आइदर इक्वेशन 3 में रखूँ या 4 में रखूँ, मुझे दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कुछ इस तरह से है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस y की जगह पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस y की जगह पर मुझे 2 रखना है, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हैंस उस 2 को जब मैं वहाँ भेजूँगा तो वो हो जाएगा 5 - 2, एंड हैंस x विल बी 5 - 2 विल बी 3। तो यहाँ पर x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। इस तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी है, पर विद पेशेंस अगर आप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ऐसे ही बढ़ेगी, और विद पेशेंस करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसके बाद में भी सेम समय तो वो करेंगे, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो आइए दोस्तों करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट एंड एज वेल एज दिस पार्ट। क्या है, 49x - 57y = 172 एंड 57x - 49y = 252। बिल्कुल इससे पहले भी ऐसी था कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर y के पास है और जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर x के पास है। सबसे पहले एक बार प्लस करेंगे, फिर एक बार माइनस करेंगे, दो अलग अलग हमारे को दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, उन्हें देखेंगे और उनसे हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएगी। सबसे पहले करते हैं नेमिंग, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. सबसे पहले करेंगे by adding equation 1 and 2. equation 1 और 2 को हम यहां add करने वाले हैं। equation 1 है 49x - 57y = 172, और ये है 57x - 49y = 252। सिंपली वी आर एडिंग इट ऑन, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे साइन में, डायरेक्ट डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगा। देखिए 9 + 7 = 16 एंड 5 + 4 = 9 + 1 = 10। तो 106x - 106y = 2 + 2 = 4, 7 + 5 = 12, और 2 + 2 = 4, 424। तो 106 4 होता है 424। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 106, डिवाइडिंग बाय 106 एंड विल गॉट x - y = 4, और इसे कहेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3, 1 और 2 हम पहले ले चुके हैं, यह है इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है इक्वेशन 1, इट इज़ 49x - 57y = 172, और यह है 57x - 49y
इज इक्वल टू 252, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो दिस सब्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट विल गो ऑन हर एक साइन के ऊपर. यहाँ पर माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस, एंड माइनस प्लस विल बी माइनस. देखते हैं क्या होगा, क्योंकि 57 बड़ा है तो माइनस में लिखूंगा मैं, और यहाँ पर बचेगा 8, राइट? 50 प्लस 7 विल बी 8, तो माइनस 8x. यहाँ पर भी माइनस ही बड़ा है तो माइनस, अगेन माइनस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस ही बड़ा है तो माइनस. देखते हैं कितना आता है, 2 में से 2 गया तो 0, एक्चुअली यस 2 में से 2 गया तो 0. इस 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो 15 में से 7 जाएगा और 8 बचेगा एंड 0, तो माइनस 80, ये आएगा माइनस 80. अब करेंगे डिवाइडिंग बाय 8, क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 8. तो जैसे ही हम डिवाइडिंग बाय 8 करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा जो होगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 80, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन 4. अब इस इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये x और x इजीली कट जाएगा, तो अब हम करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. क्या है इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8, सॉरी 10, 8 टेन्स आर 80, राइट? तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10. हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ ऐड करने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट किसी पर भी नहीं पड़ेगा. दिस विल बी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये माइनस और ये माइनस होगा कट. 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा डिवीजन में. 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, द वैल्यू ऑफ y इज 3 हियर. देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, इसे उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, देखते हैं इक्वेशन 3 है क्या. यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस y की जगह पर हम लिखेंगे 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, एंड हेंस x विल बी 7. तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 3. तो दोस्तों ये था आखिरी सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1 पार्ट 3. सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इस तरह से एंड हो रहा है हमारा पार्ट 3 और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी. अगर आपके कोई सजेशंस है या क्वेश्चन है तो आप लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ.